दो घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर टू आवर्स। जाहिद 4 साल से दिल्ली में रह रहा है। जाहिद हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 4 ईयर्स। तुम 2 घंटों से धूप में खड़े हो। यू हैव बीन स्टैंडिंग इन सनलाइट फॉर 2 आवर्स। मैं मुतवातर 3 साल से इम्तिहान दे रहा हूँ। आई हैव बीन टेकिंग एग्जाम्स कंटिन्यूसली फॉर 3 ईयर्स। तुम अपना फर्ज दयानतदारी से अदा करते रहे हो। यू हैव बीन परफॉर्म्ड योर ड्यूटी ऑनेस्टली फॉर 5 ईयर्स। वो हमें 2 साल से बेवकूफ़ बना रहा है। ही हैज़ बीन मेकिंग अस फूल फॉर 2 ईयर्स। बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स। लड़की 3 दिन से दवाई पी रही है। द गर्ल हैज़ बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 3 डेज। लड़कियाँ 2 साल से कॉलेज आ रही हैं। गर्ल्स हैव बीन कमिंग टू कॉलेज फॉर 2 ईयर्स। असगर 15 मिनट से नहा रहा है। असगर हैज़ बीन टेकिंग बाथ फॉर 15 मिनट्स। कंजूस 5 साल से पैसे जमा कर रहा है। द माइजर हैज बीन सेविंग मनी फॉर 5 ईयर्स। मरीज 10 मिनट से चीख रहा है। द पेशेंट हैज बीन स्क्रीमिंग फॉर 10 मिनट्स। तुम 5 मिनट से चाकू तेज कर रहे हो। यू हैव बीन शार्पनिंग द नाइफ फॉर 5 मिनट्स। खिलाड़ी कई दिनों से मैच खेलने की तैयारी कर रहे हैं। प्लेयर्स हैव बीन प्रिपेयरिंग टू प्ले मैच फॉर मैनी डेज। अकबर कई दिनों से पहाड़े याद कर रहा है। अकबर हैज बीन लर्निंग टेबल्स फॉर मैनी डेज। मलाह 2 घंटे से अपनी कश्तियां छोड़कर जा रहे हैं। बोटमैन हैव बीन लीविंग देयर बोट्स फॉर 2 आवर्स। वो 2 दिन से वर्जिश कर रहा है। ही हैज बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 2 डेज। निकम्मे तालिब इल्म कई दिनों से काम कर रहे हैं। द आइडल स्टूडेंट्स हैव बीन वर्किंग फॉर मैनी डेज। शिकारी कई माह से जाल बिछा रहा है। द हंटर हैज बीन सेटिंग नेट फॉर सेवरल मंथ्स। ये लड़के 3 दिन से शरारत कर रहे हैं। दीज बॉयज हैव बीन मेकिंग मिस्चीफ फॉर 3 डेज। वो हमें 15 दिन से नसीहत कर रहे हैं। दे हैव बीन एडवाइजिंग अस फॉर 15 डेज। डॉक्टर 3 दिनों से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैव बीन ट्रीटिंग द पेशेंट्स फॉर 3 डेज। सईद 4 दिनों से दवा खा रहा है। सईद हैज बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 3 डेज। खिलाड़ी 10 मिनट से फुटबॉल में हवा भर रहे हैं। Players have been inflating football for 10 minutes. मेहमान 1 घंटे से खाने का इंतजार कर रहे हैं। Guests have been waiting for food for an hour. मक्खियां 2 घंटों से खराब फलों पर बिनबिना रही हैं। Flies have been buzzing over the rotten fruits for 2 hours. वो 2019 से काम कर रहा है। He has been working since 2019. तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो। You have been reading since 2 o'clock. वो सुबह से सो रहा है। He has been sleeping since morning. तो नाज़रीन इकराम, ये कौन से जुमले हैं? तो याद रखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के जुमले हैं। आम तौर पर जिन जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस वक्त आए, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के जुमले कहलाते हैं। अब अफर्मेटिव यानी सादा जुमला कैसे बनाएंगे? तो याद रखिए, फार्मूला ये है कि सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर प्लस टाइम। अब ही, शी, इट, नेम और एनी सिंगुलर नेम के साथ हैज बीन लगेगा और आई, यू, वी, दे प्लूरल नेम के साथ हैव बीन लगेगा। अब सेंस और फॉर कहाँ पर लगाएंगे हम? तो याद रखिए, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले यानी पक्के वक्त से पहले, मुकर्रा वक्त से पहले सेंस लगाएंगे। तो याद रखिए, पॉइंट ऑफ टाइम जो है यानी पक्के वक्त जो है, मुकर्रा औकात जो है, वो 6 तरह के हैं। सबसे पहला है डेज नेम, यानी दिनों के नाम से पहले हम सेंस लगाएंगे। सेंस मंडे, सेंस ट्यूजडे, सेंस वेनसडे, सेंस वेनसडे। दूसरा पक्का टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम, वो है टाइम नेम। टाइम नेम से पहले सेंस लगाएंगे, जैसे सेंस मॉर्निंग, सेंस इवनिंग, सेंस 2 o'clock। तीसरा पॉइंट ऑफ टाइम है मंथ्स नेम, महीनों के नाम से पहले, सेंस जनवरी, सेंस फरवरी, सेंस मार्च, सेंस अप्रैल। चौथा पॉइंट ऑफ टाइम है कंडीशंस नेम, हालतों से पहले, ये जो हालतें होती हैं इंसान की, उनसे पहले, जैसे जवानी है, बचपन है, बुढ़ापा है। जैसे मैं कहता हूँ सेंस चाइल्डहुड, बचपन से, सेंस यूथफुलनेस, जवानी से, सेंस ओल्ड एज, बुढ़ापे से। पांचवा है ईयर्स नेम, सालों के नाम से पहले, जैसे मैं कहता हूँ सेंस 2012, सेंस 2013, सेंस 2014, सेंस 2023। और छठा पॉइंट ऑफ टाइम है वेदर्स नेम, मौसमों के नाम से पहले भी सेंस लगाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ सेंस समर,
गर्मी से सेंस विंटर, सर्दी से सेंस ऑटम, खिजान से सेंस स्प्रिंग, बहार से। जैसे मैं कहना चाहता हूँ सुबह से बारिश होती रही है तो मैं कहूँगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह मैं कहना चाहता हूँ वो शाम से खेलता रहा है तो मैं कहूँगा ही हैज बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। वो सुबह से कहानी लिख रहा है, ही हैज बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग। वो बचपन से सिक्के जमा कर रहा है, He has been collecting coins since his childhood. वो अपनी जवानी से यहाँ काम कर रहा है, He has been working in this office since he was young. अब फोर कहाँ पर लगाया जाएगा तो याद रखिए फोर जो है वो टाइम ऑफ पीरियड से पहले लगाया जाएगा, यानी गैर मुकर्रा वक्त से पहले लगाया जाएगा। जो गैर मुकर्रा मुद्दत होती है उससे पहले हम फोर को लगाएंगे। जैसे मैं कहना चाहता हूँ कई दिनों से तो मैं कहूंगा फोर मैनी डेज। मैं कहना चाहता हूँ दो दिनों से तो मैं कहूंगा फोर टू डेज। ये जो कई दिन है या दो दिन है ये गैर मुकर्रा है, ये टाइम ऑफ पीरियड है, इनसे पहले हम फोर लगाएंगे। इस तरह मैं कहना चाहता हूँ कुछ मिनट से तो मैं कहूंगा फोर सम मिनट्स। मैं कहना चाहता हूँ चार महीनों से तो मैं कहूंगा फोर फोर मंथ्स। मैं कहना चाहता हूँ कुछ साल से तो मैं कहूंगा फोर सम ईयर्स। मैं कहना चाहता हूँ कई सालों से तो मैं कहूंगा फोर मैनी ईयर्स। मैं कहना चाहता हूँ दो घंटों से तो मैं कहूंगा फोर टू आवर्स। मैं कहना चाहता हूँ दो दिनों से या चार दिनों से तो मैं कहूंगा फोर टू डेज या फोर फोर डेज। जैसे मैं कहना चाहता हूँ तुम दो घंटे से पढ़ते रहे हो। जैसे मैं कहना चाहता हूँ तुम दो घंटे से पढ़ते रहे हो तो मैं कहूंगा यू हैव बीन स्टडिंग फॉर टू आवर्स। मैं एक हफ्ते से टीवी देख रहा हूँ तो मैं कहूंगा आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर वन वीक। वो कई सालों से हॉकी खेल रही है, शी हैज बीन प्लेइंग हॉकी फॉर मैनी ईयर्स। तुम एक महीने से कहानी लिख रहे हो, यू हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर वन मंथ। तुम एक महीने से कहानी लिख रहे हो, यू हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर वन मंथ। दो घंटों से बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग फॉर टू आवर्स। अब अगर नेगेटिव बनाना चाहो तो उसके लिए फार्मूला ये है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे मैं कहना चाहता हूँ वो दो घंटे से अपना सबक याद नहीं कर रही है तो मैं कहूंगा शी हैज नॉट बीन रीडिंग हर लेसन फॉर टू आवर्स। वो अपनी जवानी से यहाँ काम नहीं कर रहा है, ही हैज नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस ही वॉज यंग। ये एक हफ्ते से उखड़ नहीं रहा है, इट हैज नॉट बीन पीलिंग ऑफ फॉर वन वीक। वो दो हफ्ते से चिड़ियाघर नहीं जा रहा है, He has not been going to the zoo for two weeks. मैं रात से फूल नहीं तोड़ रही हूँ, I have not been plucking the flowers since evening या since night. वो कई सालों से यहाँ काम नहीं कर रहा है, They have not been working here for many years. हम कई घंटों से हॉकी नहीं खेल रहे हैं, We have not been playing hockey for many hours. मैं एक घंटे से खाना नहीं खा रही हूँ, I have not been eating lunch for one hour. मुसाफिर सुबह से बस का इंतजार नहीं कर रहे हैं, The passengers have not been waiting for bus since morning. ये दो घंटे से काम नहीं कर रही है, It has not been working for two hours. अब अगर इंटरोगेटिव बनाना चाहो तो उसके लिए फार्मूला ये है कि हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं कहना चाहता हूँ क्या तुम कई सालों से खत लिख रहे हो, हैव यू बीन राइटिंग अ लेटर फॉर मैनी ईयर्स। क्या वो अपने बचपन से यहाँ काम कर रही है, Has she been working here since her childhood? क्या वो शाम से टीवी देख रहा है,
Has he been watching TV since evening? क्या वो दो हफ्तों से चिड़ियाघर की सैर करने जा रहे हैं? Have they been visiting the zoo for 2 weeks? क्या तुम एक महीने से यहाँ काम कर रही हो? Have you been working here for 1 month? क्या वो कई घंटों से गुड़िया के साथ खेल रही है? Has she been playing with doll for many hours? क्या मैं सुबह से खा रहा हूँ? Have I been eating since morning? क्या वो एक हफ्ते से नया बिजनेस शुरू कर रहा है? Has he been starting new business for 1 week? क्या वो 2 महीने से यहाँ काम कर रही है? Has she been working here for 2 months? क्या तुम 1 घंटे से खेल रहे हो? Have you been playing for 1 hour? क्या मैं शाम से टीवी देख रहा हूँ? Have I been watching TV since evening? क्या वो सुबह से फर्श साफ कर रही है? Has she been cleaning the floor since morning? क्या वो 2 घंटों से खत लिख रहा है? Has he been writing a letter for 2 hours? आप अगर negative plus interrogative बनाना चाहो तो उसके लिए formula ये है कि has, have plus subject plus not been plus verb की first form ing plus object plus since या for plus time difference. जैसे मैं कहना चाहता हूँ, क्या तुम 1 घंटे से खाना नहीं खा रहे हो? Have you not been eating lunch for an hour? क्या वो 2 घंटे से शतरंज नहीं खेल रहा है? Has he not been playing chess for 2 hours? क्या मैं सुबह से अपना होमवर्क नहीं लिख रहा हूँ? Have I not been writing homework since morning? क्या तुम 3 घंटों से बस का इंतजार नहीं कर रहे हो? Have you not been waiting for bus for 3 hours? क्या वो बचपन से गरीबों की मदद नहीं कर रहा है? Has he not been helping the poor since his childhood? क्या मैं सुबह से अपना काम खत्म नहीं कर रही हूँ? Have I not been finishing my task since morning? क्या तुम सुबह से अपनी बारी का इंतजार नहीं कर रहे हो? Have you not been waiting for your turn since morning?